हेलो दोस्तों, तो हम आज से अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे यूपी ट्रिपल एससी के लिए जो युवा कल्याण अधिकारी और व्यायाम प्रशिक्षक का पेपर होने वाला है। इस सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। सॉरी, आज 2 दिन लेट हो गया। रोज़ मैं वीडियो कोशिश करता हूँ कि आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट डाल दूँ, एक या दो, लेकिन अभी काफ़ी 2 दिन का गैप हो गया। तो दोस्तों, आज से मैं स्टार्ट करूँगा और आज 2 टेस्ट होंगे, एक 5, टेस्ट 5 और टेस्ट 6 शाम तक मिल जाएगा। दोस्तों, आज तक हम लोग आज शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 140 से लेके 173 तक। इसके पहले हम लोगों ने जो क्वेश्चन डिस्कस किया है उसको आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। केवल प्रैक्टिस सेट के नाम से ही, मैं युवा कल्याण अधिकारी के प्रैक्टिस सेट नाम से ही मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, या फिर तो आई बटन जो ऊपर स्क्रीन पे होगा उस पर देख लीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मैं लिंक डाल दूंगा। ये जो प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो युवा कल्याण अधिकारी का पेपर होने वाला है। अभी तो इसकी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है, लेकिन जल्दी ही होने वाला है। तो हम लोग आज की जो हमारी टेस्ट है, टेस्ट 5, इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अकेडमी एनीवेयर में। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करेंगे 140 नंबर क्वेश्चन से। तो इसमें जो भी क्वेश्चन आज दिए गए हैं वो सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये क्वेश्चन वही दिए गए हैं जो कई बार पूछे जा चुके हैं, जिनकी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है आने की, वो सब सारे क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। और जो मैं 1000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज मैं करवाऊँगा, मैं उसे सोच रहा हूँ कि पेपर होने से पहले तक आप लोगों को 1000 क्वेश्चन मिल जाएँ। तो आज का जो 140 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या है, क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40A पर्यावरण का संरक्षण और सुधार एवं वन और वन्य जीव की सुरक्षा किससे संबंधित है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ये आता है 40A। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। फिर आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा के अध्यक्ष, गैप है इसमें, ऑप्शन करना है लोकसभा अध्यक्ष वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए कार्य करता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष है कितनी अवधि के लिए काम करता है, तो वो करता है, लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो 5 साल के लिए काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। और 142 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 142 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा में राज्यों से कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो जो लोकसभा में राज्यों से कुल जो सदस्य होते हैं वो कितने होते हैं, तो वो होते हैं 530। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 142 का बी। और फिर लास्ट, सॉरी, 143 नंबर क्वेश्चन है सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है। तो सौर ऊर्जा किसके, इसमें जो होता है वो किसके द्वारा उत्पन्न होती है। तो सौर ऊर्जा जो होती है वो संलयन प्रक्रिया जो होती है, नाभिकीय संलयन, उसके द्वारा होती है। तो जो सूर्य में होता है ना, वो संलयन होता है। तो सौर ऊर्जा जो निकलती है, बनती है, उत्पन्न होती है, वो होती है संलयन प्रक्रिया से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 143 का ए। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 144 नंबर क्वेश्चन, ये क्या है, माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर, जो दिलवाड़ा जैन मंदिर नाम से फेमस, ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर। तो इसका करेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थस्थल है। जैसा कि दिलवाड़ा नाम आता है तो दिलवाड़ा जैन मंदिर उसका नाम ही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जैन धर्म से ही संबंधित है। नेक्स्ट है सन जो 1540 में कन्नौज की लड़ाई शेरशाह और के बीच लड़ी गई थी। तो शेरशाह जो कन्नौज की लड़ाई 1540 ईस्वी में लड़ी गई थी, वो शेरशाह और किसके बीच लड़ी गई थी। तो वो लड़ी गई थी शेरशाह और हुमायूं के बीच। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। फिर है गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गणेश महोत्सव को जो स्टार्ट किए थे वो किए थे लोकमान्य तिलक जो थे, उन्होंने ही ये मुंबई से, पुणे मुंबई से स्टार्ट किया था। मुंबई रीजन में बहुत धूमधाम से ये मनाया जाता है, गणेश महोत्सव थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 147 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है। ये पूछ रहा किस किसने दिया है, वो नहीं, करो या मरो का नारा जो दिया था वो किस आंदोलन में ये दिया गया था। तो ये दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन में ये दिया गया था। और फिर नेक्स्ट है भारतीय संविधान को अस्तित्व में
आया, भारतीय संविधान कब आया, डेट पूछ रहा है, तो ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही, ये पूछा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 26 जनवरी 1950 को आया था ये अस्तित्व में। नेक्स्ट है, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था, तो 149 का हो जाएगा, जो डगलस एंजेलबर्ट थे उन्होंने ही कंप्यूटर माउस का निर्माण किया था। सबसे पहले जब इन्होंने कंप्यूटर बनाया, माउस बनाया था, तो काफ़ी बड़ा था, लेकिन धीरे धीरे करके इसकी साइज छोटी होती चली गई। और कभी कभी पूछ लेता है कि WWW जो है वो उसके आविष्कारक कौन है, तो उसके जो है वो टिम बर्नर ली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं, ये कंप्यूटर क्वेश्चन है, तो एक आईपी एड्रेस में होता है 32 बिट्स होता है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है, तो कौन सा वर्ल्ड का सबसे बड़ा पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है, तो वो है गोल्ड पांडा पुरस्कार, गोल्डन पांडा पुरस्कार, तो 155 का हो जाएगा आंसर बी। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरबन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो सुंदरबन टाइगर रिजर्व जो है वो है पश्चिम बंगाल में, टाइगर के लिए फेमस है पश्चिम बंगाल, बंगाल टाइगर नाम से ही फेमस है, तो पश्चिम बंगाल में, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। फिर उसके बाद 153 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसरो ने भारत के पहले उपग्रह का निर्माण किया जिसे क्या नाम दिया गया था, किस नाम से जाना जाता है, जो भारत का पहला उपग्रह था जिसने इसरो ने जिसे बनाया था, तो वो था आर्यभट्ट, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। फिर बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो बना होता है किससे बना होता है, तो वो बना होता है टंगस्टन का, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 54 का डी। फिर उसके बाद हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो एक होती है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, ये सब होती हैं परमाणु संख्या, तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या है, कम से कम आपको 20 तक याद होनी चाहिए, 20 तक ही पूछ सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। फिर उसके बाद है एलपीजी का मिश्रण, जो एलपीजी होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो किसका मिश्रण होता है उसमें, तो एलपीजी में जो मिश्रण होता है वो होता है ब्यूटेन और प्रोपेन का, तो 156 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, एलपीजी का जो मिश्रण होगा ये ब्यूटेन और प्रोपेन का, 156 का बी सही आंसर होगा। फिर 157 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कोशिका जो सिद्धांत दिया था उस किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो वो दिया था सिल्डन और स्वान ने, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। फिर उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सामान्यतः मूत्र में पाया जाता है, जो टॉयलेट होता है उसमें कौन सा पदार्थ सामान्यतः पाया जाता है, 158 का क्वेश्चन जो करेक्ट हो जाए, तो वो उसमें जो पाया जाता है वो पाया जाता है क्रिएटिनिन जो होता है वो मूत्र में पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। फिर 159 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित में होता है, कौन से में होता है, प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित किस में होता है, ऑप्शन में दिया है कि में होता है यानी कि किस में होता है, तो ये होता है क्लोरोप्लास्ट में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, आंसर बी इज करेक्ट। फिर उसके बाद देखेंगे 160 नंबर क्वेश्चन, इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक किसने लिखी थी, तो बुक्स एंड ऑथर से भी क्वेश्चन आता है, तो इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक जो लिखी गई थी वो लिखी गई थी APJ अब्दुल कलाम द्वारा, जिसका करेक्ट आंसर है 160 का बी। फिर उसके बाद है, गरबा जो होता है लोक नृत्य है वो कहाँ का है, तो गरबा जो होता है वो होता है गुजरात में, गुजरात में गरबा खेला जाता है, होता है ये एक लोक नृत्य है गुजरात का, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। फिर 162 नंबर क्वेश्चन है, APJ अब्दुल कलाम द्वारा प्राप्त सर्वोच्च नागरिक जो सम्मान है वो क्या है, जो नागरिक सम्मान है वो है भारत रत्न, जो सर्वोच्च पुरस्कार मिला गया अब्दुल कलाम जी को दिया गया था वो भारत रत्न दिया गया था। फिर उसके बाद है, उबेर कप जो है वो किस खेल से संबंधित है, तो उबेर कप जो है वो है बैडमिंटन से, तो बहुत सारे जो कप होते हैं किससे संबंधित हैं, ऐसे नाम पूछ देता है कि पता भी नहीं होता है, तो मैं इसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, सोच रहा हूँ कि जो कप होते हैं और कौन कौन से, मतलब कैसे कैसे खिलाड़ी, कितनी संख्या होती है, ये सब सारे स्पोर्ट्स रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो आपको जल्दी मिलने वाले हैं, तो 163 का जो हो जाएगा उबेर कप संबंधित है बैडमिंटन से। फिर अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी।
25 नवंबर को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला उन्मूलन दिवस। फिर उसके बाद हम देखेंगे 165 नंबर क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक का जो लेखा वर्ष है वो है जुलाई से जून। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जुलाई से जून। फिर उसके बाद है, निम्नलिखित राज्यों में से साक्षरता दर किस राज्य में सबसे अधिक है? तो जो साक्षरता दर है वो सबसे अधिक है मिजोरम में। ये ऑप्शन जो दिया है उसमें सबसे अधिक है मिजोरम में। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग में वित्तीय वर्ष जो था 2017 और 18 की जो शुरुआत हुई थी, शुरुआत से 5 वर्ष की योजनाओं को निम्नलिखित में से किससे बदलने की योजना बनाई गई है? तो जो 5 योजनाएं थी उनको किस योजना में बदलने की योजना बनाई जा रही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 15 साल विजन डॉक्यूमेंट। 15 साल विजन डॉक्यूमेंट, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। फिर 168 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि नहीं है? अदिश राशि नहीं है पूछ रहा है, नहीं, कौन सी अदिश राशि नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर कार्य जो है अदिश राशि है, अदिश राशि नहीं है, बाकी ये तो तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी संबंधी संविधान संशोधन विधेयक है, तो जीएसटी अभी काफ़ी न्यूज़ में था तो उस पर क्वेश्चन बन सकता है। तो जीएसटी संबंधी जो संविधान संशोधन विधेयक है वो संबंधित है, जो 122वां है उससे संबंधित है, 122वां संविधान संशोधन 122। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। फिर उसके बाद उत्परिवर्तन का सिद्धांत के द्वारा प्रस्तावित किया जाता है, तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है? तो किया जाता है ह्यूगो डिब्रिज के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुर्दे की पथरी से बनी होती है, जो गुर्दे की पथरी होती है वो किससे बनी होती है? तो वो बनी होती है कैल्शियम ऑक्सीलेट के द्वारा। तो ये इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीजी का टीका किससे संरक्षण के लिए होता है? किससे संरक्षण के लिए जो बीसीजी का टीका लगाया जाता है वो किसके संरक्षण के लिए किया जाता है? ये तो ये किया जाता है जो क्षय रोग होता है उसके संरक्षण के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। तो करेक्ट आंसर बी हो गया। फिर है, मैगी फेरा इंडिया किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मैगी फेरा जो इंडिया है वो आम का नाम है, तो जो साइंटिफिक नेम है वो भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हमारा टेस्ट 5 था, जो टेस्ट 6 है वो आपको जल्दी आज ही मिल जाने वाला है। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको लगता है कि नहीं आपकी थोड़ी सी भी मदद हुई हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, शेयर करिए और ये जो बेल आइकन है इसको ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन है, जल्दी हम वीडियो डालते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।